हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में। दोस्तों जितने भी 10वीं के स्टूडेंट हैं जो इस वक्त 11वीं में एडमिशन लेने जा रहे हैं, एडमिशन लेने के पहले दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को सीईटी का एग्जाम देना है। अब सीईटी के एग्जाम देने के पहले आप लोगों को महाराष्ट्र बोर्ड के वेबसाइट पर जाके उसे रजिस्ट्रेशन करवाना है। लेकिन स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उन्हें इस तरीके से पॉपअप आ रहा है जो इस वक्त आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो। अब दोस्तों अगर आपको मैं बात करूं कि जो महाराष्ट्र बोर्ड है जहां वो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है वो ये वेबसाइट है, और दोस्तों ये वेबसाइट पे इस तरीके से कुछ नोटिस है, उन्होंने इस वेबसाइट को बंद किया हुआ है। अब ये बंद क्यों किया गया दोस्तों ये भी जान लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जितने स्टूडेंट इस पे आके वेबसाइट को फिलअप कर रहे थे काफ़ी मतलब एरर आ रहे थे, तालुका का प्रॉब्लम आ रहा था, हैंग हो जा रहा था, ट्रैफिक आ रहे थे, मतलब काफ़ी ऐसा टेक्निकली प्रॉब्लम इशू हो रहे थे स्टूडेंट को, जिसे ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र बोर्ड ने ठीक है खुद उनके ऑफिशियली वेबसाइट पे उन्होंने एक नोटिस एक सर्कुलर रिलीज किया है। दोस्तों सर्कुलर ये है कि इस वेबसाइट को कुछ टाइम के लिए टेक्निकली प्रॉब्लम के वजह से उसे बंद किया गया है। दोस्तों कब तक बंद किया है? दोस्तों आज के दिन 6 बजे तक इसे बंद किया गया है। 6 बजे के बाद ये वेबसाइट फिर से चालू होगा, आप जाइए फिर फॉर्म फिलअप कीजिए, आपका फॉर्म फिल होगा। तो जो दोस्त मेरे से पूछ रहे थे, जो स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमारा वेबसाइट काम नहीं कर रहा, हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अपने मोबाइल में इशू लग रहा था या कि लैपटॉप में इशू लग रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं है, वेबसाइट को बंद रखा गया है। तो 6 बजे तक का महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से टाइम दिया गया है, आप और वेट कर लीजिए, 7, 8, 9 बजे तक वेट कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं पता है। तो फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।